नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये वो तीन महीने हैं जिसमें छुट्टियों से ज्यादा शादियां आती हैं। 84% पाकिस्तानी साल में कम से कम एक शादी जरूर अटेंड करते हैं। यही वजह तो है कि आज हम भी शादी अटेंड करने आ गए हैं और उन 84% पाकिस्तानियों में हम भी शामिल हो गए हैं। शादी में सबसे पहले देखे जाते हैं कपड़े, इसीलिए तो 30% पाकिस्तानी शलवार कमीज के साथ वास्केट पहनते हैं, 26% शेरवानी और 16% पैंट कोट पहनते हैं। शादी में म्यूजिक, लाइट्स, कपड़े सब भूल जाते हैं, याद रहता है तो बस खाना। इसीलिए तो मुझ समेत 33% पाकिस्तानी खीर, 20% जर्दा, 32% गाजर का हलवा और 9% को दूध दुलारी पसंद है। गैलप सर्वे के मुताबिक 58% पाकिस्तानी वन डिश की हिमायत करते हैं जबकि 42% इसकी मुखालफत करते हैं। मैं तो शादी में एंट्री देकर लिफाफा दे चुका, लेकिन 73% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मेरी तरह आते हैं और शादी में दूल्हे को लिफाफा थमाते हैं, 24% गिफ्ट से काम चलाते हैं और 3% बगैर कुछ दिए बाहर चले जाते हैं। आमतौर पर 500 लोग शादी में आते हैं, 500 लोगों में कम से कम 100 लोग तो लिफाफा देते हैं। 100 का मतलब है अगर एक लिफाफे में 1,000 रुपए है एवरेज, तो एक इवेंट में 1,00,000 रुपए बन गए बॉस। शादी में कितना पैसा लगा है यही पूछने हम दूल्हा के पास आ गए, तो फैजान अब तक कितने पैसे लगा चुके? 8-9 लाख रुपीज़, खाना पीना कपड़े सब मिला के? जी, सब मिलाकर। भाई वाह, बड़े सस्ते में छूट गए। तकरीब को कुछ ऐसे डिजाइन करें कि लिफाफों के पैसों से दुख कुछ कम हो सके और शादी के लिफाफों की गिनती सही तरह से करें।